गुड आफ्टरनून सर। हाउ आर यू? हाउ आर यू गाइस? फाइन सर, हाउ अबाउट यू सर, हाउ इज योर थ्रोट नाउ? जस्ट गोइंग अलोंग, विल मैनेज. ओके, सो यस्टरडे जो कल पढ़ा था रिवाइज किया आप लोगों ने? हैव यू गाइस रिवाइज्ड? यस सर। रीम क्या होता है? व्हाट इज REAIM? सर दैट इज यूज पर्टिकुलरली यूज ऑफ ए आई इन मिलिट्री एंड दैट वॉज फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट समिट वॉज इन नीदरलैंड वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल, वेरी इट गुड. इज टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ लीथल ऑटोनमस वेपन्स सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट. सो दैट्स गुड. सो आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस आल्सो एवरी डे ऑफ द प्रीवियस क्लास, सो प्लीज बी अटेंटिव एंड डू रिवाइज. ठीक है. Now, again, moving on with the February current affairs, we finished polity and economy, and we did a little bit of security. We are continuing with security today as well. So, let's start without much ado. Let's move ahead. So, what is Tarkash? So, there are exercises between India and other agencies, other countries. So, let's start with the first exercise. What is Tarkash? It is an Indo-US joint exercise between India's NSG and the US Special Forces. ठीक है, US Special Operation Forces. All right. So it is the first time that this exercise simulated a validation exercise for chemical biological weapons. ठीक है, अभी हमने कल वेसनार अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था. इस तरह से देर इज एन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एज वेल. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ऑल्सो वी हैव दी NTCR, दी NSG. ठीक है, OPCW, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन डील विद दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दीज न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स. ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम तर्कश में इंडिया के एनएसजी ने एंड इंडिया एनएसजी एज वेल एज द यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, दे हैव यू नो सिमुलेटेड द यूज ऑफ हाउ बायोलॉजिकल रेडिएशनल केमिकल वेपन्स कैन बी यूज एंड वट कुड बी द इम्पैक्ट्स, हाउ दे कुड बी मिटिगेटेड. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव धर्मा गार्डियन. ये नाम ही याद रखें, धर्मा गार्डियन इंडो जापान, दस्तलिक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान. सो दीज एक्सरसाइजेस, ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो वही आप बस याद रखना है. ये एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल किसके साथ है आपका? UAE के साथ है. ठीक है, इसमें और भी कंट्रीज मतलब ज्वाइन होती हैं, जैसे फ्रांस, इंडिया, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन. तो मेजरली आपको UAE याद रखना है, और बाकी इंडिया और UAE और बाकी कंट्रीज का भी आपको जस्ट हैव अ स्लाइट आइडिया. ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम, लॉरा. सो इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बेल है ना, एक बेल है आपकी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एक बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. सो डिफ्रेंशिएट करना है इनमें. इसने MOU साइन किया है बिटवीन इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ लॉरा वेपन सिस्टम. ठीक है, तो ये किसके बीच में MOU साइन हुआ है, बस ये याद रखना है आपको, इसराइल एरोस्पेस, ठीक है, और बेल के बीच में. ये इंडिजिनियस इंडिया के आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए दिस इज बीइंग डन. ओके, व्हाट इज दिस मिसाइल सिस्टम, व्हाट इज दिस वेपन सिस्टम? इट इज अ शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल. रोड मोबाइल मीन्स यू कैन ट्रांसपोर्ट इट थ्रू रोड एज वेल. ग्राउंड एंड सी लॉन्च्ड, ग्राउंड और सी से भी आप लॉन्च कर सकते हैं. सॉलिड फ्यूल, तो इसमें सॉलिड फ्यूल होता है. बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय इसराइल. सो दिस इज बेसिकली एन इसराइली टेक्नोलॉजी, इसराइली टेक्नोलॉजी. ओके, तो ये बस याद रखना आपने. एक बार फिर से आई गेट फ्यू थिंग्स क्लियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेल का है और इसराइल एरोस्पेस लिमिटेड, इंडियन ट्राई सर्विसेज के लिए यूज होगा. शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल, ग्राउंड एंड सी लॉन्च, सॉलिड फ्यू बैलिस्टिक मिसाइल. वंडरफुल. ओके, तो इट प्रोवाइड्स बैलिस्टिक असॉल्ट कैपेबिलिटीज. रेंज क्या रहेगी इसकी? 280 किलोमीटर तक, है ना. प्रिसिशन इतनी रहेगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा. वॉरहेड याद रखिए, 600 kg, दिस विल बी इंपॉर्टेंट. 600 kg एंड 280 इसका मैक्सिमम एक रेंज रहेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट आप आ जाइए कवच. कवच 2023,
कवच क्या है? AICTE और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड BPRD है ना, BPRD, AICTE एंड I4C. I4C क्या है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सेंटर है हमारा, इंडियन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमेटी और कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, I4C. इसके साथ साथ आपका जो सर्ट इन भी है, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये भी साइबर सिक्योरिटी से डील करती है. तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये कवच, ये जो ये हैकाथॉन है, ये किसने ऑर्गेनाइज कराया? AICT, BPRD, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और I4C, ठीक है. ये क्या है? एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है, इनोवेटिव आइडियाज निकालने हैं आपने. अब देखिए, एज यू हैव बीन अवेयर, AI की वजह से प्रोलिफरेशन हुआ है काफ़ी, टेक्नोलॉजी का काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है. उसकी वजह से साइबर अटैक्स बढ़ गए, देयर हैज बीन अ स्लू ऑफ साइबर अटैक्स एज वी हैव डिस्कस इन अर्लियर टॉपिक्स ऑल्सो. तो टू काउंटर दैट, सो दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशन हैव कम टूगेदर टू काइंड ऑफ यू नो कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज एंड सोल्यूशन थ्रू विच वी कैन काइंड ऑफ मिटिगेट दिस, बिकॉज नाउ द वॉर्स विल नॉट बी फॉट ऑन लैंड, दे विल बी फॉट इन द साइबर स्पेस. सो वी हैव टू, वॉट यू कॉल, वी हैव टू क्रिएट अ वेरी वेरी रोबस्ट एंड मल्टी लेयर्ड साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम इन चीजों को टैकल कर सकें. सो इसी सिलसिले में दिस हैकाथॉन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, व्हिच इज नेम्ड एज कवच. ओके, नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरनमेंट पे आ गया हूँ. एनवायरनमेंट में दीज देर आर सेवरल रूल्स दैट हैव कम अप विद वेस्ट मैनेजमेंट. सो हियर वी आर डिस्कसिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2023. सबसे पहली पॉइंट, पहली चीज, कौन ये नोटिफाई करता है? तो MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है. अंडर विच एक्ट? हमने पहले भी पढ़ा है, जो वेस्ट से रिलेटेड चीजें होंगी वो EPA 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, MOEFCC, ये मिनिस्ट्री रहेगी आपकी. 2023 अप्रैल से इट केम इनटू बीइंग, ठीक है. अब इसने दो सब्सटेंसेस एग्जेम्पशन में डाले हैं इन द शेड्यूल टू. कौन से हैं? फर्स्ट है आपका कैडमियम लेड इन सोलर पैनल्स, ठीक है, कैडमियम और लेड. दूसरा, लेड इन मेडिकल डिवाइसेस, तो इसको एग्जेम्प्ट किया है. ये दो चीजें याद रखें, एक तो EPA 1986, MOEFCC, और शेड्यूल टू में ये दो सब्सटेंसेस डाल दिए. दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट है, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे वुड आस्क व्हिच आर द टू एग्जेम्प्टेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2023. ऑलराइट, मूविंग ऑन, व्हाट इज एथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है. अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स वायबल फ्यूल्स, क्लाइमेट सस्टेनेबल फ्यूल्स. तो हम क्या करते हैं, जो जिससे पोल्यूशन कम हो, हम पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करते हैं कुछ परसेंटेज. तो हमारा टारगेट क्या था वो हम देखेंगे कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ने इसके बारे में क्या कहा. द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स, ये 2018 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी. इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कब तक करनी थी? बाय 2030, ये पहले टारगेट था, ठीक है. लेकिन हमने इसको अब एडवांस कर दिया, क्योंकि हमने 10% ऑलरेडी अचीव कर लिए. 10% ब्लेंडिंग हमने जून 2022 तक ही अचीव कर लिए, और अब हमने टारगेट को एडवांस कर दिया. अब हम 2025-26 तक ही अपनी 20% एथनॉल ब्लेंडिंग हम अचीव करेंगे. ओके, तो इसमें एक और चीज यहाँ देखने की है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, है ना, उनको प्रोक्योर करना है डोमेस्टिक सोर्सेज से एथनॉल, और उसको ब्लेंड कर देंगे उसमें, ठीक है. तो गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड एडमिनिस्टर्ड प्राइस ऑफ एथेनॉल सिंस 2014. इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर करना शुरू किया है एथेनॉल प्राइसेस को 2014 से, ठीक है. ये अभी मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड नहीं है, गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्राइसेस फॉर द एथेनॉल, ठीक है. अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच विल बी द नोडल डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड एथेनॉल डिस्टिलरीज इन द कंट्री. तो आपके दिमाग में आएगा कि एथेनॉल है, फ्यूल है,
तो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आ सकता है, लेकिन नहीं, इसका आंसर आपका रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज एथेनॉल इज मेड फ्रॉम द वेस्ट बैगीज, वेस्ट जो आपका फीड स्टॉक रह गया उसको प्रोसेस करके ये बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पंजाब में आपने देखा है, पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग का काफी प्रॉब्लम है, स्टबल बर्निंग, ठीक है. तो उसको हम किस तरह से स्टबल को या फीड स्टॉक को हम उसमें बना सकते हैं, उसके कार्डबोर्ड बॉक्सेस बना सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर पॉसिबिलिटी है बायो बायो एथेनॉल कैसे बना सकते हैं, तो ये एक चीज है. सो दैट इज व्हाई दिस नोडल मिनिस्ट्री वुड बी द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टूड? सो ये चीजें याद रखें. पहला इसमें क्या था कि आपका 20% हमने टारगेट अब एडवांस कर दिया 2025-26 तक, ठीक है, और 10% हमने अचीव ऑलरेडी कर लिया हुआ है, और गवर्नमेंट ने 2014 से इसको एडमिनिस्टर किया है, और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड एथेनॉल डिस्टिलरीज. अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं एथेनॉल प्रमोशन के लिए, तो लेट्स सी व्हाट आर दोज इनिशिएटिव्स. ठीक है, पहले देखिए, गवर्नमेंट हैज बीन फिक्सिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट फीड स्टॉक्स, ठीक है, तो ये तो हमने पहले देख लिया कि गवर्नमेंट कर रहा है. दूसरा, FCI राइस एंड मेज हैज आल्सो बीन अलॉटेड एज फीड स्टॉक. FCI राइस मतलब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज अ मेजर प्रोक्यूरमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, ये करता है. इट इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स. सो इन दैट केस जो कई बार होता है ना गुड क्वालिटी जो लेफ्ट ओवर मेज होगा या राइस होगा, दैट हैज बीन अलाउड टू बी यूज एज फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग. दूसरा, इसमें जो GST है वो रिड्यूस कर दिया है 5%, पहले 18% था, अब 5% हो गया. नेक्स्ट, इट अमेंडेड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट टू इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ एथेनॉल. तो ये देखिए तीन जो मेजर चेंजेस किए हैं, पहला कि डिफरेंट फीड स्टॉक से आप एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइस और वीट को, राइस और मेज को फीड स्टॉक में अलाउ कर दिया, ठीक है, आपने ये रिड्यूस कर दिया GST और फ्री मूवमेंट अलाउ कर दिया. इसके साथ फ्लेक्सी फ्यूल इंजन एंड कंपोनेंट्स, ठीक है, इंक्लूडेड अंडर PLI स्कीम. फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है कि एक ही गाड़ी, जैसे गाड़ी है आप मतलब उसको पेट्रोल पे चलाते हैं, तो ऐसे इंजन डेवलप करने में PLI प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, को एक्सटेंड की है उसमें भी, ताकि आप एथेनॉल पे भी चला सकते हैं, पेट्रोल पे भी चला सकते हैं. सो दिस इज डन टू प्रमोट, ठीक है, दिस इज डन टू प्रमोट व्हाट, मोर इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली वायबल. तो इसमें E85 मींस 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग तक पॉसिबिलिटी रखी गई है, ठीक है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग, नंबर 6, सॉफ्ट लोन्स अप टू 40%. तो सॉफ्ट लोन्स मतलब जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, रीपेमेंट उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं जो बाकी नॉर्म्स की तरह, तो 40% इसमें प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए सॉफ्ट लोन की भी प्रोविजन रखा है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 7, इसमें जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवदेश निर्वारण. तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ योजना, इट्स अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स और 2G सेकेंड जनरेशन और सेकेंड जनरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है. इसमें क्या क्या यूज होगा, फर्स्टली यू विल यूज लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीड स्टॉक. तो आपने बस इसमें यह देखना है कि जीवन अगर आपसे पूछ लें कि आपको डिटेल पूरा नहीं नाम लिखते बोलेंगे, वो आपको बोल देंगे जीवन क्या है, जीवन, तो आप सोचेंगे कुछ वन से रिलेटेड है, इट इज नॉट वन से रिलेटेड, इट इज जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवदेश. सो जो रीन्यूएबल फीड स्टॉक से हमने बायोएथेनॉल कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये उसके लिए एक इनिशिएटिव है. ओके, नेक्स्ट आ जाइए मैंग्रोव इकोसिस्टम्स. तो मैंग्रोव्स आपके कहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा आपको पता होगा सुंदरबंस में. सुंदरबंस कहाँ पे है, ठीक है. तो ये जो आपका
रीजन है यहाँ पे। ट्रेड्स द मेरीटाइम टेरिटरी ऑफ इट ट्रेड्स द मेरीटाइम टेरिटरी ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, इट ट्रेड्स द मेरीटाइम इंडिया टेरिटरी ऑफ एंड इट इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव रिजर्व इन द कंट्री इन द वर्ल्ड रादर आई वुड से मैंग्रोव रिजर्व। इट इज होम टू लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। Royal Bengal tigers. Along with that, these mangroves they act as breakwaters for these cyclones. They act as the breakwaters for the cyclones. So why I'm trying to give you this context is the importance of mangroves in India's ecosystem restoration and what are the ecosystem services that they provide. So in that context, you have to understand that these are one of the most climate resilient species that we have to fight the climate change paradigm that is evolving. Okay, so here we see there is this initiative for mangroves which was announced in this year's budget, that is Mangrove Initiative Shoreline Habitat and Tangible Income Scheme. So MISTI scheme is not about some sweet here. MISTI, you would think it's some Bengali sweet, some Rasgulla, but it is not that. It is the Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Income Scheme. What is the objective of this scheme? It aims at mangrove plantation along coastlines and on salt pans. Salt pans kya hai? Yahan pe, for example, Kutch area. Okay? That is salt pan area. That's a marshy area. So, wahan pe aur coastline pe, the objective is to plant mangrove plantations. So it will be taken up. You know, the scheme will be taken up as a convergence of job guarantee schemes, that is MG Narega, compensatory afforestation fund, and other fund sources. Okay, Jai Hind Shubhankar, we will talk after the class. Let's continue with the class. So, mangrove plantations ka fir objective kya hai? What, how are we going to achieve the convergence? So we will try to ensure that there is a convergence of various schemes here. Okay, like MG Narega, we have Campa humne padha tha. What is CAMPA? Compensatory Afforestation Fund. Uske bhi provisions humne padhe the. Aur baki, if there are other provisions with respect to, you know, plantation of mangroves or other other scheme through which we can converge, we can create a more viable ecosystem. So that will also be used. All right. So they have been variously described as coastal woodland, tidal forest, or mangrove forest. So if someone talks about what is a coastal woodland, what is a tidal forest, obviously, you will talk about mangroves. Okay? And mangrove forest, it's they grow in the brackish coastline water, coastal saline water. Sabse zyada India mein kahan pe mangroves? Number one, in West Bengal. And number two, Gujarat. Theek hai? Abhi humne padha ki Sundarbans mein sabse zyada world ka highest mangrove area hai. Uske baad India mein number two pe Gujarat mein hai. If I ask you which Indian state has the longest coastline, can you tell me in the comment section, anyone, which Indian state has the longest coastline? If anyone knows, they can tell in the comments. I will tell in some time. In that case, if someone knows, please mention in the comments, in the chat section. So there is this invasive species, Prosopis julifora, which is a non-native tree species, which can threaten the survival of mangrove forests. Gujarat, absolutely correct, Priyanshu. Gujarat has the longest coastline. Wonderful. So, invasive species, kya hoti hai? For example, there is a weed, like Lantana camara. It's a bug. Lantana camara ek bug hai jo paddy ya wheat ya crop ko destroy karta hai. Iske alawa, there are other invasive species. That kind of, you know, impact the sustainability of the crop that is. So, ye Prosopis julifora mangroves ki growth ko bhi threaten karta hai. To bas aapko ye yaad rakhna, if someone asks in the exam, it is asked what is Prosopis julifora, they will simply ask Prosopis julifora, which was recently in news,
is which of the following? So it is an invasive species, and obviously it is a threat to the mangrove survival as well. अब मैंग्रोव्स के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. फर्स्ट इज द मैजिकल मैंग्रोव्स. मैजिकल मैंग्रोव्स इनिशिएटिव और मैजिकल मैंग्रोव्स कैंपेन, ठीक है. इसमें हु हैज लॉन्च दिस? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है. इट एंजॉइंस द सिटीजंस ऑफ नाइन कोस्टल स्टेट्स. सो वी हैव नाइन कोस्टल स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम, tell me, we have West Bengal, we have Odisha, we have Andhra Pradesh, then we have Tamil Nadu, we have Kerala, we have Goa, we have Karnataka, we have Maharashtra, and then we have Gujarat. Okay, so nine coastal states on mangrove conservation. ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे? Sensitize करेंगे through this campaign. Through this campaign, the WWF India, WWF ये wrestling federation नहीं है, World Wildlife Fund for Nature है. It's Indian concern. So it will call upon the citizens of these nine states, coastal states, to take active steps towards being aware about the conservation of mangroves and ensuring ecosystem restoration. So ye ek objective rahega iska. Next you come Mangrove Alliance for Climate. So COP 27, where did COP 27 happen? It happened in Sharm el-Sheikh, the city of Sharm el-Sheikh in Egypt. Okay, it happened in Sharm el-Sheikh, Egypt. Okay, it enjoined, India joined the MAC, which aims, what is the target of the MAC? To scale up and accelerate conservation and restoration of mangroves. So was this thing you have to remember, Mangrove Alliance for Climate. India joined this alliance in to the COP 27 in Sharm el-Sheikh, Egypt. Okay, and it is targeted towards accelerating the conservation and the restoration of mangrove forests. Okay, initiative is pioneered by USA and Indonesia, and later joined by Sri Lanka, Australia, Japan, and Spain. So ye aapko thoda sa pata rahega, ye kab launch hua hai? 2000 COP 27 mein hi hua hai jo humne dekha, aur India ne founding member bana hai. To iske binding, there are no binding commitments. For example, in Paris deal we have binding commitments, here there are no binding commitments. So the members include USA, then you have India, you have Indonesia, then you have Sri Lanka, then you have Spain, then you have Japan, and then you have the two countries from the Australia's. We have Australia as well. Okay, so a total of 7 members in this association. So just remember this when it was launched, whether India is a member, and what is its objective. Moving on. What is aquaculture? So aquaculture, let's understand. Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, it inaugurated and launched 3 flagship programs. Aquaculture means, aap fisheries ko water, jaise inland aap ponds banao, tanks banao, uske andar aap fisheries ko कल्टिवेट करते हो, या कोई फिश प्रोडक्ट जो मरीन प्रोडक्ट्स को. फॉर एग्जांपल, जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडियन वाइट श्रिम्प. सो दिस कम्स अंडर दिस एक्वाकल्चर प्रोग्राम. देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सो दिस इज आल्सो फॉर द एक्वाकल्चर. श्रिम्प फार्मिंग सेक्टर मोस्टली डिपेंड्स ऑन 1 एक्सोटिक स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्टॉक ऑफ पैसिफिक वाइट श्रिम्प. अगर आप श्रिम्प फार्मिंग की बात करें तो बेसिकली पैसिफिक वाइट श्रिम्प पैसिफिक वाइट श्रिम्प बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज व्हाट यू से द डोमिनेटिंग स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज व्हिच हेल्प्स टू यू नो टेक फॉरवर्ड दिस श्रिम्प कल्टिवेशन. और इंडिया की इंडियन वाइट श्रिम्प है. यहां तक कोई डाउट है किसी को? Anyone has any doubts? No, sir. Okay, wonderful. Let's go ahead.
Moving on, we have launched the phase two of national surveillance program on aquatic animal diseases. Okay, so what is this? It comes under PMMSY, Pradhan Mantri. अभी बताया मैंने मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य फिश, ठीक है, संपदा मीन्स उनके वेलफेयर, मत्स्य संपदा योजना. सो इट इज गोइंग टू बी यू नो इंस्ट्रूमेंटल इन दिस. इट एनविजाजेस व्हाट? इट एनविजाजेस द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एक्वाटिक डिजीजेस एंड ट्रेन्ड डिजीज डायग्नोस्टिक पर्सनल. तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा. व्हाट इट विल डू? इट विल क्रिएट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. सेकेंडली, पर्सनल को ट्रेन करेंगे. दे विल ट्रेन द पर्सनल टू हैंडल, यू नो, फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट हैव हॉस्पिटल्स इन द ओशन. सो वॉट वी कैन डू इज क्रिएट सम पर्सनल हु आर इक्विप्ड टू हैंडल द डिजीजेज दैट आर कॉज इन द एक्वाटिक रीजन्स, एंड हाउ वी कैन यू नो इंश्योर वी कैन गो फर्दर इन एज वी हैव वैक्सीनेशन फॉर कोरोना और अदर अदर डिजीजेज. वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड द सेम मेडिकल प्रोविजन्स फॉर द एक्वाटिक एनिमल्स for their long term sustenance. So that has been the objective. All right. Moving on, launch of shrimp crop insurance product by ICAR. ठीक है, तो ये एक launch किया है इसमें. तो 80% compensation मिलेगा farmers को input cost पे, ठीक है, अगर total crop loss हो जाता है. अब total crop loss किसको कहते हैं? अगर 70% से ज्यादा crop, greater than 70% crop has been damaged. टोटल का ये नहीं कि 100% होगा तब भी मिलेगा, अगर 70% से ज़्यादा क्रॉप डैमेज हो गई है तो उस सेंस में आपको ये का 80% ऑफ इनपुट कॉस्ट मिल जाएगा. और दूसरा, इसके लिए असेस कैसे करोगे? जैसे पीएम फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना है, ठीक है, उसमें आप ड्रोन्स का यूज़ करते हो. वी यूज ड्रोन्स टू असेस द लेवल ऑफ डैमेज बिकॉज ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट. दैट इज हाउ इट इज. ओके, प्रोडक्ट चार्जेस differential premium based on location and requirements of individual farmer from 3.7 to, ठीक है, जो product charges, आपने क्या क्या products use किए हैं वो depend करेगा किस तरह की location है. For example, it's a hilly terrain, it's a coastal terrain, it is an agricultural land, it is a dry land, it is an irrigated land. All these things will be taken into account and depending upon that, 3.7 to 7.7% of the input cost will be recredited to the farmers. Right. Moving on, initiatives taken for aquaculture. So creation of an independent ministry. सबसे पहले तो independent ministry की creation की बात हो रही. तो importance of fishery sector. तो कौन सी ministry है? Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. तो ये याद रखें कि number one fisheries, then animal husbandry and third dairy. ये अलग है. पहले किस ministry में था ये? Previously, it was in Ministry of Agriculture. Okay, because it comes under the larger ambit of agriculture only. So now it has been, you know, separated, bifurcated, and new ministry has been created catering to the fisheries, animal husbandry, and dairy. That's about it. Okay. Moving on. FDI. अलाउड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट इन पिसीकल्चर एंड एक्वाकल्चर. हमने कल पढ़ लिया था ऑटोमेटिक रूट क्या होता है और गवर्नमेंट रूट क्या होता है. 100% मीन्स विदाउट 100% विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल. गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है. तो कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहती है एक्वाकल्चर में, फिशरीज में, इट कैन डू इट विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है, देन यू हैव अनदर फंड हियर, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड, created in 2018-19 for the concessional finance to states and UTs and as well as private sector. Wonderful. Then you have Pradhan Mantri, jo humne padha, Matsya Sampada Yojana. Ab iske provisions dekh lenge, do char. So, aims to bring about Blue Revolution. Blue Revolution kya hai? Promoting the marine ecosystem, marine production, okay? Through sustainable and responsible development of fisheries. So, ye sustainable or responsible word bahut zaruri hai because we are targeting for a more eco-friendly and climate-resilient future. We are going towards a more climate-resilient future. So, iske liye you have to understand this, whatever schemes are being launched,
they have to be more climate resilient and sustainable. ठीक है, सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. कब से कब तक? 21-22, 20-21 से 24-25, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, नॉट नेसेसरली ओनली इन कोस्टल स्टेट्स बट ऑल स्टेट्स. तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सिर्फ कोस्टल स्टेट्स में फिशरीज का ये पीएम मत्स्य संपदा योजना होगा. नहीं, इट इज इन ऑल स्टेट्स पब्लिक यूटीज, रिमेंबर दिस. ई सेंटर, सो इट्स एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय MPEDA. MPEDA क्या है? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जो स्टैचुटरी बॉडी. अब स्टैचुटरी बॉडी क्या होती है? विच इज मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, और दूसरी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज क्या होती है? विच आर क्रिएटेड थ्रू अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो ये MPEDA विल फैसिलिटेट फॉर डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन स्मॉल एंड मार्जिनल एक्वा फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स. ठीक है, बाय अवॉइडिंग मिडलमैन. तो ये ई सेंटा प्रोजेक्ट क्या है? मिडलमैन को खत्म कर देगा इन इन मरीन मरीन कल्चर, मरीन एक्सपोर्ट्स, इसमें खत्म करेगा. और MPEDA आपका स्टैचुटरी बॉडी है अंडर. अब ये देखो, इसमें भी आपको ध्यान, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में नहीं है, जो कॉमर्स और ट्रेड का काम आता है सारा, ये नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगा, इधर एग्रीकल्चर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आएगा. ठीक है, आपकी एक बॉडी थी DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड वो सब है सारा इसमें. तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ही आता है. ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर सेंसिटिव सिटीज. वाटर सेंसिटिव सी, जितना भी हम पढ़ रहे हैं अब तक, एक चीज हमें ये ध्यान में समझ आ गई होगी कि जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो भी जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये सारी सरकार की स्कीम्स होती हैं जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि हम कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ सकें, हाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स मोर वायबल फ्यूचर. सो ऑल दीज स्टेप्स, बिकॉज वाटर इज पोल्यूटेड, एयर इज पोल्यूटेड, आर इकोसिस्टम्स आर पोल्यूटेड, आर ओशंस आर पोल्यूटेड. So because of which we need to take, climate change is there, global warming is there. So all these steps are, all these things are because of anthropogenic decline, anthropogenic interventions or anthropogenic, what you say, manipulation of the environment. So it would not be wrong to say that we are already in the Anthropocene epoch, the epoch that has been defined by the more dominant and more malicious interventions of man into the natural ecosystems. So how it has damaged that. So water sensitive cities. So this research paper highlighted the importance of water sensitive urban design, particularly in the global south. देखिए, urban floods आते हैं, ठीक है, मुंबई में आपने देखा होगा. In a city like Mumbai, there are floods every year. Still, though, no problem is being solved. So, जो infra है, आपके जो roads हैं, आपका infrastructure है, वो prepare होना चाहिए कि वो किस तरह से इस challenge को deal करता है. So, it has to be prepared accordingly, but it is not being done. So, ये एक focus है इस paper का. Global South क्या है? Obviously, ये जो हमारी Latin America हो गया, Africa, South Asia, these come under the Global South. ठीक है? Then we have traditional water conservation system in Bihar. उसको क्या कहते हैं? Alhar Pine System. If it comes in the exam, Alhar Pine System is associated with is what is Alhar Pine System? It's a water conservation system in Bihar. Okay. Next up, here city sponges. So integration of drains, water bodies, and organized recreational places such as city level parks. So city sponges. So, जो भी drains हैं, water bodies हैं, ताकि वो सिटी का जो मतलब पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशन है या जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, वो उसमें हेल्प करे. देखिए, एक्ट्स बाय स्पंज सिटीज. ठीक है, अब आप देखिए व्हाट इज सी लेवल राइज के बारे में, WMO का क्या रिपोर्ट है ये. तो WMO की ग्लास रिपोर्ट आती है, ठीक है, और ये ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये एक रिपोर्ट है WMO की. इसने कहा है द सी लेवल रो 4.5 मिलीमीटर पर ईयर
कब से कब? 2013 से लेके 22 के बीच में. सो दिस हैज बीन द हाईएस्ट एवर इंक्रीज. दिस यू कैन कोट इन योर मेंस आंसर, यूपीएससी मेंस और इन यूएसए पेपर, इफ इन आईबी. और अभी सीएसआईआर का एग्जाम है, उसमें भी आपका ऐसे पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, तो उसमें आप ये कोट कर सकते हैं कि किस तरह से अगर क्लाइमेट के ऊपर टॉपिक आता है तो WMO ने बताया है कि कितना आपका सी लेवल राइज हुआ है इतने सालों में. ठीक है, इट इज ओवर 3 टाइम्स हायर देन 1901. सो 1901 से 1970 के बीच जितना हो, सिर्फ इस 7-8 साल में 3 गुना हो गए. तो बस ये याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट आ रही है ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स, GLOF. व्हाट इज इट? व्हाट आर ग्लेशियर लेक्स? दे आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर दैट सिट इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ और बीनीथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर. जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर है, इट इज मूविंग. वी हैव दीज आर दिस बाउंड्री वॉल, फिर टान लेक्स बन जाते हैं. ठीक है, जब एक ग्लेशियर चलता जाएगा, इसके साइड पे हैंगिंग वैलीज बन जाती है कुछ. ठीक है, कुछ लेक्स बन जाएंगे. तो ये ग्लेशियर लेक्स है. ठीक है, दे ग्रो इन साइज एंड दे बिकम मोर डेंजरस. ठीक है, बिकॉज इसमें दे आर डैम्ड बाय अनस्टेबल आइस और सेडिमेंट कंपोज ऑफ लूज डेब्रीज. तो यहाँ पे जो डेब्रीज होंगी दे विल बी लूज. ठीक है, और आइस है, आइस की बैरियर है, आइस बैरियर नॉट ऑल्सो एज स्ट्रॉन्ग. सो इट मे सडनली बर्स्ट एंड कॉजिंग ह्यूज डैमेज. दैट इज व्हाट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स देन, क्यों होता है? पहला देखिए, रैपिड स्लोप मूवमेंट इन टू द लेक. स्लोप्स आर वेरी स्टीप हियर, और दूसरा ग्लेशियर्स आर ह्यूज लैंड मास. तो समटाइम्स व्हेन यू नो दीज बैरियर्स ब्रेक, सो दे वुड स्किड थ्रू. नेक्स्ट इज इंक्रीज वाटर फ्लो इन टू द लेक ड्यू टू हैवी रेनफॉल. ठीक है, रेनफॉल हो गई, स्नोफॉल हो गई, उस वजह से भी स्नो मेल्ट हो गई. अर्थक्वेक आया तो वो उसका स्टेबिलिटी भी हिल जाएगी. लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन, डैम्स है, देखो डैम्स जहाँ पे भी बनेंगे, जो सराउंडिंग एरियाज में परकोलेशन तो होगा वाटर का, तो उस चीज़ की वजह से भी. ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन क्या होता है? एग्जाम्पल अब ये देखिए कि आइस का कवर है, ऑल्दो ग्रीन कलर की आइस तो नहीं होगी, बट जस्ट इमेजिन दिस इज एन आइस ब्लॉक, दिस इज अ ग्लेशियर, एंड इसके ऊपर आपका ब्लैक कार्बन जमा हो गया. ठीक है, अब क्या होता है, आइस रिफ्लेक्ट करती है, आइस का ना एल्बिडो होता है. एल्बिडो क्या होता है कि जो भी सनलाइट पड़ रही है इस पे, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, सन की रेज पड़ रही है यहाँ पे, तो ये इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है आइस का सरफेस. लेकिन जब ब्लैक कार्बन से कवर हो जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. एब्जॉर्ब करेगा तो मेल्टिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा आपका ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने के चांस बढ़ेंगे. ठीक है, तो और बाकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी होती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती है इसमें. ठीक है, अब सिक्किम ने क्या किया, इट हैज़ इंस्टॉल्ड अ लेक मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, कहाँ पे? साउथ लोनाक लेक. तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर पूछेंगे साउथ लोनाक लेक कहाँ पे है, इट इज इन सिक्किम. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, इट कैन बी आस्क्ड इन अ फैक्टोरियल क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे. वल्चर्स का फर्स्ट सिंक्रोनाइज सर्वे हुआ कहाँ पे? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में. वेस्टर्न घाट्स पता है ना आपको, ये इंडिया का आपको ये वाला एरिया अगर देखें आप, पेनिनसुलर एरिया, तो ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं. दिस इज नीलगिरीज यहाँ पे. ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, यहाँ पे हुआ है. ट्राइपार्टाइट कोऑर्डिनेशन मीटिंग कहाँ पे? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व. अब ये भी एक और फैक्ट आ गया, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे? इट इज इन तमिलनाडु. ठीक है, इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर डिवाइडिंग द वायनाड लैंडस्केप. वायनाड कहाँ पे है, जहाँ से राहुल गांधी फाइट सिलेक्शन? केरला. ठीक है, वायनाड लैंडस्केप वेयर बर्ड स्पीशीज आर फ्रीक्वेंटली. वायनाड में काफ़ी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज मिलती है, दैट हैज बीन चोजन. वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंटिगुअस
टाइगर रिजर्व्स और नागर होल इन बांदीपुर, ये दोनों कर्नाटका में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, समझ लीजिए ये वाला एरिया है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है। तो इसमें कर्नाटका वाली साइड आपकी नागर होल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व होंगे, और कर्नाटक तमिलनाडु वाली साइड आपका मुदुमलाई। सो इट इज एट दी ट्राई जंक्शन और एट दी क्वालेसेंस ऑफ थ्री टाइगर रिजर्व, दैट्स अ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंडरस्टूड। और मुदुमलाई, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, यहाँ वल्चर्स, लॉट ऑफ वल्चर्स आर देयर। अगर इंडिया में आपको पूछा जाए, वल्चर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और आपने पहले न्यूज में सुना होगा कि एग्रीकल्चर में, डिक्लोफिनेक, ठीक है ना, ये एंटीबायोटिक्स पेन किलर, यू डिक्लोफिनेक प्लस एसिलोफिनेक, इसके यूज करने से वल्चर्स, अब वल्चर्स भी जब दे फीड ओवर द डेड डेड मैटर, ठीक है ना, जब एसिलोफिनेक और डिक्लोफिनेक के वहां पे कुछ रिमेन्स रह जाएंगे, दे विल कंज्यूम इट, एंड इट हैज बीन सीन दैट देयर पॉपुलेशन हैड बीन डिक्रीजिंग। तो गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ओके। तो आगे अगर हम देखें, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ये पिंजौर में बना है, ठीक है। इसका ब्रीडिंग सेंटर एक जटायु में भी है, ठीक है, सिचुएटेड इन बीर शिकारगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पंचकुला, चंडीगढ़ के पास ही, वेरेवर आया मेरे पास ही है। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और BNHS, हमने पढ़ा कि जो बर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा जो जो इनिशिएटिव्स हैं BNHS से ले जाते हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, ये एक NGO है। तो इट्स अ कोलाबोरेटिव इनिशिएटिव टू सेव थ्री स्पीशीज ऑफ वल्चर्स, कौन कौन सी, वाइट बैक, लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड, ये तीन टाइप के हैं। बस ये नहीं भी याद हो तो ये बस ये याद रखो, तीन स्पीशीज ऑफ वल्चर्स का ये एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फंडिंग फॉर दिस सेंटर इज ऑल्सो रिसीव फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज, कहाँ से, UK रॉयल सोसाइटी ऑफ बर्ड्स एंड डार्विन इनिशिएटिव ऑफ सर्वाइवल स्पीशीज। इतना फैक्ट्स याद नहीं रखना, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया है। अगर आप ये चीजें याद रखेंगे, आपका UPSC का प्रीलिम्स में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज दैट काइंड ऑफ यू नो डेप्थ आई एम ट्राइंग टू गो इनटू। ओके, अदर सच इनिशिएटिव्स वल्चर्स के लिए क्या है, वल्चर रेस्टोरेंट्स। अब ये क्या है, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली कहाँ है, इट्स अ नक्सल हॉटबेड इन महाराष्ट्र, नासिक एंड थाने, ठीक है, वेयर कैरकसेज ऑफ, देखिए फिर से आ गए ना, डिक्लोफिनेक की बात कर रहा था, वेयर कैरकसेज फ्री ऑफ डिक्लोफिनेक आर प्रोवाइडेड। तो वल्चर रेस्टोरेंट्स, वल्चर के लिए भी रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। अब ये मत सोचो कि आपके लिए रेस्टोरेंट खुले हैं, वल्चर्स को भी ये राइट मिल रहा है, उनको हमने कंजर्व करना है। तो डिक्लोफिनेक फ्री कार्केसेस, कार्केसेस क्या होते हैं, जो लेफ्ट ओवर बॉडी, जो जानवरों की बॉडी है, जैसे जब सड़ रही होती है तो वो जो उनका जो अस्थि पंजर होता है उसको हम कार्केसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ सॉइल कार्बन इन ग्रासलैंड्स, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ UNO, इट रिलीज इट्स रिपोर्ट ऑन सॉइल कार्बन इन ग्रासलैंड। तो क्या बोला इस रिपोर्ट ने, इट मेजर्स द बेसलाइन स्टॉक्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इन बोथ सेमी नेचुरल एंड मैनेज्ड ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो इसने क्या की, क्या इन्फॉर्म किया कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रासलैंड्स हैव पॉजिटिव कार्बन बैलेंस, ठीक है, मीनिंग द लैंड इज स्टेबल और वेल मेंटेन, ठीक है, मतलब डिसेंट है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं। हाउएवर नेगेटिव कार्बन बैलेंस कहाँ कहाँ पे मिला, ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका कौन सा हुआ, वो जो पनामा आइलैंड्स, वहां पे वो जो आपका वेस्ट इंडियन आइलैंड्स हो गए, या क्यूबा से जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया, प्लस लैटिन अमेरिका आपका पूरा ये ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, वो सब एरिया, फिर अफ्रीका, ठीक है, साउथ ऑफ इक्वेटर वाले पार्ट, ये ज्यादा कार्बन नेगेटिव मिले हैं। द रशियन फेडरेशन अकाउंट फॉर 50% ऑफ ऑल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक्स। तो सॉइल जो कार्बन जो सिक्वेस्टर हो जाता है ना, सिक्वेस्टर मीन्स इट गेट स्टोर्ड इन द सॉइल, उसको हम सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कहेंगे। तो सोवियत यूनियन रशियन फेडरेशन में सबसे ज्यादा है। व्हाट इज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, इट्स अ मेजरेबल कंपोनेंट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मेक्स अबाउट 2 to 10% ऑफ सॉइल मास, ठीक है, और इट रेफर्स ओनली टू द कार्बन एंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सिर्फ कार्बन कंपोनेंट की बात करता है। व्हाइल सॉइल ऑर्गेनिक मैटर
it includes other things as well. So soil organic carbon also only includes the carbon component of the organic compounds, whereas the soil organic matter, it includes not just the carbon compounds, but also the other organic matter as well. So what has been the suggestion? Suggestion has been given to improve soil, it improves soil fertility for better, let's improve soil fertility, better SOC. So if gypsum, ye question aata hai, aapko agar thoda sa dhyan dein, gypsum add kiya jata hai soil mein to remediate sodic or magnesium dispersive soil, jisme sodium or magnesium kam hai, to wahan pe gypsum dalenge. Lime kab dalte hain? To remediate acidic soils. Theek hai, acidic soils ko ki health ko improve karne ke liye aap lime dalo, calcium carbonate, aur agar magnesium aur magnesium wagera aur sodium component kam hai to aap kya daloge? Gypsum daloge basic soils ko deal karne. Theek hai, national program for organic production launched in 2001, export as well as domestic market ke liye hai. Theek hai, fir participatory guarantee scheme by Department of Agriculture. ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव है, ये बस इतना याद रखिए आप, बस इसमें और ये फैक्चुअल डिटेल छोड़ दीजिए आप, बस ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है. ठीक है, अब आ गया आपका जैविक भारत, इट इज इंट्रोड्यूस बाय FSSAI. ठीक है, लोगो फॉर एडहेरेंस टू नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड नाइन्थ इन द एरिया. तो इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है? सिक्किम, इट बिकम्स द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट. तो इंडिया का नंबर वन है, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑर्गेनिक फार्मर सबसे ज्यादा इंडिया में ही है, और अगर एरिया वाइज देखें तो नाइन्थ नंबर पे. नेक्स्ट आ रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना, तो इट इज अ सब कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम है जो नेशनल मिशन ऑफ NAMSA, NMSA एक स्कीम है आपकी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसका एक सब मिशन है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, और उसका अंदर आपके आ गया PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना. तो क्या प्रमोट करता है? क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, ये बस याद रखना है आपको. फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, इसमें क्या होगा कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ नीच क्रॉप्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन थ्रू FPOs. Farmer producer organizations. Sir, could you tell what is an organic firm? Organic firm, we are talking about organic farming. We are talking about organic farming. Organic farming is which does not use these chemical fertilizers, which is mostly using cow dung and all those natural ways of growing. जिसमें ये high yield varieties जो green revolution के बाद हमने वो use किया था, वो सब नहीं होता. That is organic farming. We are talking of farming, not firm. Okay. Fine. अभी अब इसमें देखिए, हम फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर, द केमिकल फर्टिलाइजर, ओके वंडरफुल शुभांकर, नो वरीज, द केमिकल फर्टिलाइजर दैट वी यूज, दे डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल. जैसे ज्यादा पंजाब एरिया में देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पावर सब्सिडी दी गई, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में पावर सब्सिडी दी गई, उसकी वजह से क्या किया उन्होंने, ट्यूबवेल्स के थ्रू जो कहते हैं ना बम्बियां चला के, उन्होंने काफी पानी निकाल दिया, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल रिसीड कर गया उसकी वजह से. और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया, सो वो एक, अगर हम देखिए ये हम सॉइल अगर समझ लीजिए, सॉइल का सरफेस है, तो उसके ऊपर ना ये एक लेयर बन गई सॉल्ट पैंस की, सैलिनाइजेशन हो गई आपकी, एल्कलिनाइजेशन, एल्कलिनाइजेशन एंड सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल्स. ठीक है, ये हो गया. तो फिर सॉइल अनफिट वाटर टेबल, और अगर हम वाटर टेबल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वाटर टेबल, समझ लीजिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले अगर वाटर टेबल इधर तक था, मतलब इतना ऊपर तक आ चुका था, अब वो कहाँ आ गया, अब वो इतना ही रह गया, समझ, नीचे हो गया, वाटर टेबल आपका नीचे गया, इट हैज गॉन डाउन, और सॉइल की क्वालिटी भी खराब होगी. ठीक है, और एक, मतलब एक बैग जो यूरिया का है, इट मेजर्स 45 kg. ठीक है, तो इतना 45 kg यूरिया यूज करके जो हेल्प काम होता था, अभी वो नैनो यूरिया आ गया, उसका एक 450 ml की बॉटल वही काम कर देगी. तो नैनो यूरिया किसने, ये नैनो यूरिया जो बनाया,
इट इज इनॉग्रेटेड बाय इफको, ठीक है, इफको नैनो यूरिया प्लांट एक बना है, कहाँ पे, ओनला और फूलपुर उत्तर प्रदेश में, बस इतना नहीं, तो वहाँ पे 50 मिलियन बॉटल्स प्रोड्यूस, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा, इट नोटिफाइड नैनो यूरिया एज ए नैनो फर्टिलाइजर, ठीक है, अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इट लेज डाउन व्हाट सब्सटेंसेस क्वालिफाई फॉर यूज एज फर्टिलाइजर्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन से सब्सटेंसेज हैं विच कैन बी यूज एज यू नो सब्सटेंसेज दैट यूज एज फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल, तो उसके लिए ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ECA एक्ट, ठीक है, ये होता है। अब नैनो फर्टिलाइजर डेवलप इंडिजिनियसली फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इफको में, ठीक है, इफको का नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में, ठीक है। टोटल नाइट्रोजन कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन इन वन बॉटल ऑफ नैनो यूरिया इज 4%, सिर्फ 4% है उसमें, ठीक है। इट इज मोर एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, तो ये एक इफेक्टिव वे है टू ट्रांजिशन फ्रॉम मोर सॉइल डिग्रेडिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर टू अ मोर सॉइल फ्रेंडली, सॉइल सॉइल नॉन डिग्रेडेशन होगी इसमें, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ नैनो यूरिया फॉर्मेशन यूजेस ऑर्गेनिक पॉलीमर्स दैट कीप नैनो पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन स्टेबल एंड इन अ फॉर्म दैट कैन बी स्प्रेड इन टू प्लांट्स, ओके। फर्दरमोर, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जो केमिकली पैक्ड यूरिया है, जो 45 kg का बैग है, उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, मतलब 20 kg यूरिया होगा 45 kg के बैग में, ठीक है। जो नैनो यूरिया है उसकी जो 500 मिलीलीटर की बॉटल है, 500 मिलीलीटर की बॉटल है, उसमें सिर्फ 4% यानी 20 ग्राम यूरिया होगा, और ये 500 ml की बॉटल ये 45 किलो का काम कर जाएगी। तो दैट इज हाउ द इनोवेशंस आर कमिंग इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर्स एज वेल, ओके। सो अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एलिजिबल फार्मर्स कैन बाय मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट विद सम, दिस इज नॉट नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर CSR फंड भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहे हो फर्टिलाइजर में, नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज अलाउड इफको एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ नैनो DAP फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। DAP क्या है, इट्स नेक्स्ट जनरेशन फॉर, जैसे हमने नैनो यूरिया, जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसका भी नैनो प्रोडक्ट, जो नैनो पार्टिकल्स हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये भी उसी तरह जिस तरह यूरिया, नैनो यूरिया हेल्प करेगा, इस तरह नैनो DAP भी करेगा, ठीक है। वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, वी विल रिकन्वीन आफ्टर 5 मिनट्स, थैंक यू, जस्ट टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक गाइस, लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया डाई अमोनियम फॉस्फेट, लेट्स मूव ऑन। ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल, तो अब ये बिल किसने लाया, दैट हैज बी इम्पोर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ड्राफ्ट बिल लाया था 2022 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो जियोलॉजिकली जो हेरिटेज साइट्स हैं हमारी और जो इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब जियो हेरिटेज साइट्स होती क्या है, दीज आर साइट्स ऑफ रेयर एंड यूनिक जियोलॉजिकल एंड जियो मॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जियोलॉजिकल आपको पता, जियोलॉजिकल से मतलब कि जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम स्केल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रिवील सर्टन फैक्ट्स, एंड जियो मॉर्फोलॉजिकल वुड बी बिकॉज ऑफ देयर यूनिक टोपोग्राफी, फॉर एग्जाम्पल केव टोपोग्राफी और मे बी समवेयर ऑन द हिल माउंट्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जियो रेलिक्स आर एनी रेलिक और मटीरियल ऑफ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लाइक सेडिमेंट्स, रॉक्स, मिनरल्स, मेटेराइट्स और फॉसिल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटेराइट्स हैं, मेटेराइट्स हमें रिवील करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट्स हाउ इट यू नो काइंड ऑफ रिवील सर्टेन इंफॉर्मेशन, फाइन। नेक्स्ट वी हैव जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 32 जियो हेरिटेज साइट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉसिल पार्क्स, कौन कौन से, शिवालिक फॉसिल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए फैक्ट आ गया, शिवालिक फॉसिल पार्क कहाँ पे है, इट इज हिमाचल प्रदेश, बिकॉज शिवालिक माउंटेन्स आर इन दैट रीजन ऑल्सो। देन जियोलॉजिकल मार्वल्स, इसमें लोनार लेक
अब लोनार लेक इज इन महाराष्ट्र, इट इज अ क्रेटर लेक, मतलब मीटोराइट के गिरने से ही बना था, इट्स क्रेटर लेक महाराष्ट्र में. देन यू हैव रॉक मॉन्यूमेंट्स, रॉक मॉन्यूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल द पेनिनसुलर नीस, नीस इज अ इग्नियस रॉक, सो इट इज अ इट इज फाउंड इन पेनिनसुलर नीस कर्नाटका. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री से अटैच्ड, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि GSI इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. अगेन दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इवन UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट ऑथोराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ जियो हेरिटेज साइट टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एक्वायर एरिया अंडर जियो हेरिटेज साइट अंडर द लार एक्ट, लार एक्ट था ये, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट. ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर. मूविंग ऑन, वी हैव फिफ्थ इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस. ठीक है, वॉट इज दैट इम्पैक्ट फाइव, इट्स इफ इट कम्स इन द एग्जाम वॉट इज इम्पैक्ट फाइव, इट इज इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस, इट्स फिफ्थ वर्जन. कहाँ हुई है? इट वॉज हेल्ड इन वंकूवर कैनेडा, इट्स वैंकूवर कैनेडा. इट ब्रिंग्स टूगेदर ओशन कंजर्वेशन प्रोफेशनल्स एंड हाई लेवल ऑफिशियल्स टू इन्फॉर्म इंस्पायर एंड एक्ट ऑन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, टारगेट क्या है इसका? 30% ग्लोबल ओशन को, 30 by 30, एक 30 by 30 इनिशिएटिव है, 30% ऑफ ग्लोबल ओशंस को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030, 30 by 30. ठीक, तो इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी मॉन्ट्रियल GBO. मैंने बताया था आपको GBF क्या है ये, इट इज दी सक्सेसर ऑफ IHE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स. ठीक है, फाइन. सो इट वॉज जॉइंटली होस्टेड बाय होस्ट फर्स्ट नेशंस, मॉस्क्वेम, स्क्वामिश, ये पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता, इसको छोड़ देंगे, टुगेदर विद द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, कनेडियन पार्क, ये ऑर्गेनाइजेशन है कुछ. ठीक है, विल्डरनेस सोसाइटी एंड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ये सारा कैनेडियन, दीज आर ऑल कैनेडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश कोलंबिया, ये उनकी कुछ सिटीज के नाम होंगे. ठीक है, मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क क्या है ये? कंट्रीज फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क इज लॉन्च इन पुडुचेरी. पुडुचेरी क्या है? इट वॉज अ फ्रेंच टेरिटरी, साउथ ऑफ पुडुचेरी इज मोस्टली इट हैज फ्रेंच आर्किटेक्चर. ठीक है, तो MSP Marine Spatial Planning Framework is a part, is a pact of Indo-Norway Integrated Ocean Initiative. So, Indo-Norway Initiative है, ठीक है, बस इतना याद रखो इसमें, and under Ministry of Earth Sciences. All right. So it is in Pondicherry or Puducherry, Indo-Norway Ministry of Earth Sciences. Wonderful. Moving on. It's a process of analyzing and allocating spatial and temporal distribution of human activities in marine areas to achieve all these objectives. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव रिवर सिटीज अलायंस, धारा 2023, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, एनुअल मीटिंग ऑफ RCA मेंबर्स. ठीक है, ये आपका रिवर सिटीज अलायंस के मेंबर्स का हुआ था. धारा क्या करता है? इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू को लर्न एंड डिस्कस सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग अर्बन वाटर रिसोर्सेज. अर्बन एरियाज में कुछ लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, या जो रिवर्स अर्बन एरिया से जाती हैं, उनको होलिस्टिकली प्रोटेक्ट करने के लिए दिस इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बाय धारा. ठीक है, बस इतना याद रखो, कौन सी सिटीज इंक्लूड होती हैं? बोथ गंगा बेसिन और नॉन गंगा बेसिन वाली. गंगा बेसिन मतलब जो गैंजेटिक प्लेन्स में आती है, फॉर एग्जाम्पल यू यमुना, सोन, तापी, यू हैव घाघरा, गंडक, ऑल दीज, एंड नॉन गंगा बेसिन वाली भी. ठीक है, किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, MOHUA. MOHUA, since it is related to urban affairs, so MOHUA होना ही है वहाँ पे. और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का नाम हुआ करता था, नाउ इट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, आपने वो मूवी तो देखी होगी ना, पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं, तो ये रेड सैंडल्स, उसमें जो शेषाचलम हिल्स है ना, सो इट इज बिकॉज ट्रैफिकिंग ऑफ रेड सैंडल्स. तो रेड सैंडल्स ट्रैफिक फैक्ट शीट हाईलाइटेड रेड सैंडल्स इज इंडियाज मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ट्री स्पीशीज. तो रेड सैंडल्स कहाँ पे मिलता है? इट इज फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स में. ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में जो एरिया आपका आंध्र प्रदेश,
नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु, उस एरिया में आपको रेड सैंडल्स मिलेगा. इट इज वेरी एग्जॉटिक, इट्स अ वेरी कॉस्टली वुड, दैट्स व्हाई इट्स स्मगल्ड. इट इज अ फ्लोरा स्पीशीज दैट इज एंडेमिक टू द डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट्स. इट्स अ वेरी स्लो ग्रोइंग ट्री स्पीशीज और 25 से 40 साल में मच्योर होता है, तो दैट इज वाई इट्स टू प्राइज्ड. ठीक है, लोकली इसका कुछ नाम होता है, क्या नाम होता है, यरा चंदनम और रक्ता चंदनम, चंदन की लकड़ी है ना उस टाइप का, दैट्स कॉल्ड सैंडलवुड, काइंड ऑफ सैंडलवुड. इट इज एक्सप्लॉयटेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंटलिन. अब ये चीज पूछी जा सकती है आपको कि रेड सैंडल्स को एक्सप्लॉयट क्यों किया जाता है. सैंटलिन एक रेड पिगमेंट है, ठीक है, जो डाई में यूज होता है या कलरेंट इन फूड मेडिसिन, तो वहां पे इसलिए इसको किया जाता है. आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है, इट इज एंडेंजर्ड एंड साइट स्टेटस अपेंडिक्स टू में है. IUCN आपको बताया कि IUCN endangered जो certain species of plants and animals को it it gives them certain categories, so यहाँ पे endangered status है और sites का appendix 2 में है. Okay, now what is traffic? Traffic एक organization है, 1976 में बनी थी. World Wildlife Fund for Nature plus IUCN, इन दोनों ने, it was made under this. It is a wildlife trade monitoring network. वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, जैसे व्हेन आई वाज इन नॉर्थ ईस्ट, आई वाज इन असम, सो वहां पे राइनो पोचिंग बहुत होती है. जो राइनो है, वन हॉर्न राइनो, इट्स फाउंड काजीरंगा और रोहांग. काजीरंगा में वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ओबिटोरा में वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. तो वहां पे इसकी जो उसका हॉर्न होता है राइनो का, दैट इज स्मगल्ड, दैट इज ट्रेडेड फॉर अक्रॉस द बॉर्डर. तो उसके लिए जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको मॉनिटर करने के लिए ये ट्रैफिक इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबली इस चीज को मॉनिटर करता है. ठीक है, अभी few months back you must have seen India has reintroduced cheetahs, you know, from Namibia, from Africa, ठीक है, South Africa से भी कुछ आने हैं. तो issue क्या हुआ वहाँ पे, because we have an Asiatic cheetah that is found in कहाँ पे, ईरान में, और African cheetah क्या है, it is more sturdier, it's more resilient, so that is why we have introduced it. But since वहां से वहां का जो टेरेन है, क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक रिजीम्स है, वो इंडियन क्लाइमेटिक रिजीम से डिफरेंट है, तो फ्यू ऑफ दी चीतास हैव डाइड आल्सो, है ना. तो वो चीज है कि दे हैव, वी हैव टू इंश्योर देयर अडैप्टेबिलिटी, दे एक्लिमेटाइज टू द एरिया, सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो फ्रॉम नामीबिया चीतास वर मेड अवेलेबल बाय फिंडा गेम रिजर्व. ये इतने सारे रिजर्व है, नाम मत याद रखिए, इतना होगा नहीं, बस एक बार जस्ट हैव अ लुक. स्वालू, कालाहारी, वाटरबर्ग बायोस्फीयर, ख्वांडे गेम रिजर्व, मपेशु, बस इतना याद रखे कहाँ से आया. ये आया नामीबिया से. इंडिया में कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, दिस इज इम्पोर्टेंट. सो कूनो, कूनो नेशनल पार्क में दिस चीताज हैव बीन रिलोकेटेड और रीइंट्रोड्यूस फ्रॉम नामीबिया. ठीक है, सो ट्रांसलोकेशन मेड अंडर प्रोजेक्ट चीता. प्रोजेक्ट चीता क्या, वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड काइंड ऑफ कार्निवोर ट्रांसलोकेशन. दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स जो कार्निवोर स्पीशीज को ट्रांसलोकेशन की है. और इंडिया में आपको मैंने पहले बताया था प्रोजेक्ट टाइगर को मैन कौन करता है, NTCA. ठीक है, प्रोजेक्ट चीता की भी नोडल एजेंसी NTCA ही है. अब इसका IUCN स्टेटस क्या है, अफ्रीकन चीता का, इट इज वल्नरेबल. जो एशियाटिक चीता जो ईरान में मिलता है, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब उसकी स्पीशीज बहुत कम बची हैं, तो ये अभी रिलेटिवली वो है, स्टेबल है. साइट्स पे ये अपेंडिक्स वन में है, अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स. ओके, पैंगोलिन. सो इंडिया में 8 स्पीशीज होती है, ओवरऑल 8 स्पीशीज होती है पैंगोलिन की, उसमें इंडिया में 2 मिलती है. बस इसका स्टेटस याद रखें आप, स्टेटस क्या है, इंडियन पैंगोलिन का है एंडेंजर्ड, और चाइनीज सी फॉर चाइनीज एंड सी फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तो ये याद रखें. नेक्स्ट आ जाएंगे लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. तो लद्दाख में पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिली है, तो उसका देखते हैं क्या है. लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, हर हर स्टेट में होती है BMCs, ठीक है, NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है, फिर BMCs होती है. तो कंसर्न जो पंचायत है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है ना, स्नो लेपर्ड के लिए होता है ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट. तो इन्होंने दे हैव रिजॉल्व टू डिक्लेयर एक स्पीशीज है याया सो, ये जो साइट है लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. तो बस ये नाम याद रखना लद्दाख की
बायोडाइवर्सिटी साइट क्या है? यायासो, ठीक है. इट्स अ नेस्टिंग हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऑल दीज थिंग्स, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग क्राउड्स फॉर ब्लैक नेक क्रेट्स. इट्स अ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम साइबेरिया. ब्लैक नेक क्रेट्स, ओके. तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है, उसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स एम्पावर्ड होती है नोटिफाई बीएचएस बायोडाइवर्सिटी हर्बिसाइड्स, ठीक है, विद लोकल बॉडीज. एंड क्राइटेरिया क्या है? स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए, हाई एंडेमिज्म. हाई एंडेमिज्म मतलब वेरी हाई डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, रेयर एंड एंडेमिक थ्रेटन स्पीशीज, की स्टोन स्पीशीज होनी चाहिए, विच आर ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, मीन्स दे हेल्प इन इवॉल्विंग द ओवरऑल स्पीशीज रिचनेस, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बढ़ाने में इट काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट्स. ओके, इंडिया में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है. महेंद्रगिरी इन ओडिशा, महेंद्रगिरी लास्ट बीएचएस साइट 2022 में ऐड हुई थी, ठीक है, इससे पहले. सिक्योर हिमालय, इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है. इट इज एम्ड एट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स, जैसे स्नो लेपर्ड मिलता है यहाँ पे, स्नो लेपर्ड भी प्रोटेक्ट किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, राइट. नेक्स्ट आइए शिंकुला टनल. अब ये पूछेगा नहीं, ये पूछेगा कि किसको किसको कनेक्ट करती है टनल के केस में, यही सवाल होता है. तो ये कनेक्ट करती है लाहौल वैली, कहाँ पे है? लाहौल और स्पीति, हिमाचल एचपी, और जांस्कर वैली ऑफ लद्दाख. लाहौल वैली ऑफ हिमाचल, जांस्कर वैली ऑफ लद्दाख, ठीक है. तो जो भी बॉर्डर रोड्स बनते हैं ना, बॉर्डर में रोड टनल प्रोजेक्ट्स, ये बीआरओ के अंडर बनते हैं. जैसे नॉर्थ आसाम में प्रोजेक्ट वर्तक है, उन यहाँ पे प्रोजेक्ट योजक अंडर, प्रोजेक्ट योजक, प्रोजेक्ट योजक ऑफ द बीआरओ, इट एम्स एट यू नो मेकिंग दिस कनेक्टिंग दिस टनल, ओके. फिर आगे डिकिन्सोनिया. डिकिन्सोनिया क्या है? इट इज अ फॉसिल, लेजेंड फॉसिल, भोपाल के पास मिला है 2 साल पहले. बिलीव टू बी एन एक्सटिंक्ट डिकिन्सोनियन टर्न आउट टू बी एन इम्प्रेशन ऑफ. तो ये सोचा गया था कि ये कोई ओल्ड मैमल है, बट ये बाद में इट केम अक्रॉस एज अ डिकेड बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है. तो डिकिन्सोनिया के नहीं था ये. डिकिन्सोनिया क्या है, अब ये आपको जानना है कि अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल डेटिंग बैक टू 570 मिलियन ईयर्स अगो. बस इतना याद रखे डिकिन्सोनिया इज इन न्यूज क्या है वो, ठीक है. इट वॉज एन एनिमल, कहाँ मिलता था? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन, चाइना. ऑलराइट, वंडरफुल. देन वी हैव पॉलीमेटालिक नेड्यूल्स एक्सप्लोरेशन, पॉलीमेटालिक नेड्यूल्स एक्सप्लोरेशन. इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, वी हैव स्टडीड दैट बिफोर, कि ISA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमेटालिक नेड्यूल्स एक्सट्रैक्शन एंड MOES, ISA प्लस MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, दे हैव एक्सचेंज्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. इनिशियली 2002 में साइन हुआ था 15 साल के लिए, एक्सटेंड किया था 5 साल के लिए, ठीक है. पहले हमने पढ़ा कि इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर मिला है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, हमने स्टडी किया था टेरिटोरियल वाटर, देन कंटिगुअस जोन, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देन हाई सीज, वो किस तरह से जो हाई सीज में एरिया है जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन का, ISA हैज अलॉटेड अराउंड 7,500 स्क्वायर किलोमीटर्स टू इंडिया. वट आर पॉलीमेटालिक नेड्यूल्स? दीज आर पोटेटो लाइक राउंड एक्रीशंस, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. ये आपका समुंदर है, ये आपकी, अगर आप लैंड एरिया समझ लें, ये इसका कोस्ट अगर हो गया इधर, ठीक है. तो ये कोस्ट ऐसे नहीं होता, स्लोपिंग होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, इधर कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है. तो यहाँ पे इन इट्स बेजल एरिया, इन इट्स लोअर रीजन, यू विल हैव सर्टन एक्रीशंस, ठीक है. ये होते हैं नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, दीज आर रिच इन मैंगनीज, निकल,
कोबाल्ट, ठीक है, कॉपर, आयरन, तो ये सब आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये डीप सी माइनिंग से मिलेगा आपको, ये आपको बस याद रखना है. इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव पायनियर इन्वेस्टर स्टेटस इन दिस इन 1987. और कौन सा इसको रेगुलेट करता है? कन्वेंशन अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, दिस वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, पीएफएस और फॉर एवर केमिकल्स. पीएफएस क्या होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर पीएफएस. दे आर एक्चुअली टॉक्सिक केमिकल्स, ऑल्सो नोन एज फॉर एवर केमिकल्स. नॉर्वेजियन आर्कटिक आइस में ये मिले हैं. तो ये दीज आर पर एंड पॉलीफ्लोरोनेटेड एल्काइल सब्सटेंसेस. दीज आर वेरी बायोलॉजिकली वेरी डेंजरस. 4700 हाईली परसिस्टेंट केमिकल्स जो नेचर में नहीं मिलते हैं, विच आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड. सो ये लोगों के ब्लड में या वाइल्ड लाइफ में ये इंट्रूड कर जाते हैं स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स में. तो टॉक्सिक हैं, ठीक है. कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, जैसे हेयर कंडीशनर्स में, आपकी क्रीम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मार्टफोन्स में, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. तो दे जनरली इंट्रूड इन टू आर फूड चेन एंड इन टू दैट, फ्रॉम दैट इन टू आर ब्लड स्ट्रीम, एंड दे आर वेरी टॉक्सिक. सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. फॉर एवर मतलब ये हमेशा अंदर रहते, डिग्रेड नहीं होते, और इनको आइडेंटिफाई, इनको निकालना भी मुश्किल है. दैट इज वाई दिस नीड टू यू नो हैव अ कंसर्टेड स्टेप्स टूवर्ड्स यू नो इंश्योरिंग दैट दिस डजंट हैपन. ओके, बिस्फिनॉल, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है. बिस्फिनॉल ए क्या होता है ये? सो बिस्फिनॉल ए रिसेंटली हाईलाइट स्टडी हाईलाइटेड एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग इन मस्कीटोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिस्फिनॉल ए इन अर्बन ड्रेन्स. तो बिस्फिनॉल ए जो अर्बन ड्रेन्स में मिलता है, उसकी वजह से मस्कीटो की जो ग्रोथ बढ़ गई है, ठीक है. क्या है ये? इट इज यूज इन पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक्स. तो बस ये याद रखना है कि बिस्फिनॉल ए कहाँ मिलता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स कहाँ मिलता है? शैटर प्रूफ विंडोज, जो मोटी विंडोज होती है जो टूट नहीं है, शैटर प्रूफ. आई वेयर आपके चश्मों में हो सकती है, वाटर बॉटल्स, एपॉक्सी रेजिन्स. तो बेसिकली प्लास्टिक्स में मिलता है बिस्फिनॉल ए, इज फाउंड इन पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक्स. तो यू शुड ऑलवेज कीप एन आई अराउंड योर सेल्फ अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग. मे बी आप एक रैपर पे कुछ चीज पढ़ रहे हो, वो एग्जाम में आ जाए. थोड़ा जस्ट कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, ठीक है. SDG एग्री फूड एक्सेलरेटर प्रोग्राम, FAO एंड सीड पार्टनरशिप, ठीक है, लॉन्च दिस प्रोग्राम. सीड इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है. किसने फाउंड किया? UNEP, UNDP एंड IUCN. फाइन, बस इतना याद रखो इसमें. अब आ जाओ क्लाइमेट रेजिलियंट वराइटीज ऑफ, क्लाइमेट रेजिलियंट वराइटीज ऑफ व्हीट. IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. साइंटिस्ट हैव डेवलप थ्री क्लाइमेटिक वराइटीज ऑफ व्हीट. कौन सी, ठीक है. HDCW, ये नाम या नाम याद नहीं रख होगा होगा आपसे, बट याद देख लीजिए HD से रिले हो रहा है, तो कुड बी रिलेटेड टू व्हीट. HDCSW, जस्ट हैव अ कर्सरी आइडिया. 18, 3410 एंड 3385. बस ये नाम थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए, डोंट ट्राई टू क्रैम इट टू मच, बट जस्ट रिमेंबर इफ इट कम्स इन द एग्जाम यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, तो टेरी, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है ये, ठीक है. तो इट इज एन इंडिपेंडेंट मल्टी डिमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करती है, ये टेरी. तो इसका समिट होता है हर साल. ओके, अर्थ्स इनर कोर. साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक न्यू लेयर डेवलप डिस्कवर किया है अर्थ के इनर कोर में. ओके, व्हाट इज इट? इट डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, नॉट इम्पोर्टेंट. अ सॉलिड मेटालिक बॉल डीप इनसाइड द अर्थ इनर कोर, डब्ड एज इनर मोस्ट कोर, ठीक है. जैसे ये आपका अर्थ का कोर हो गया, इनर कोर हो गया, इसके बाहर आपका आ गया आउटर कोर. देन यू हैव इनर मेंटल. जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया है, दिस इज एन आउटर मेंटल, ठीक है. और सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? लिथोस्फेयर, आपका जहाँ पे हम रहते हैं. अब साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है? जो इनर कोर है उसके भी अंदर एक इनर मोस्ट कोर डेवलप हुआ है. दिस इज द इनर मोस्ट कोर,
innermost core. ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ न्यू डिस्कवरी दैट हैज हैपेंड. जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कैसे स्टडी करते हैं अर्थ के इंटीरियर को, थ्रू अर्थक्वेक्स, थ्रू सीज़मिक वेव्स जो होती हैं, थ्रू सीज़मिक वेव्स, थ्रू द मटेरियल्स फ्रॉम द वोल्केनोज, थ्रू द मेटेराइट्स, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और स्टडीज के थ्रू हम ये पहचान जाते हैं. अब हीट डोम क्या होता है? हीट स्प्यूइंग एंटी साइक्लोन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यू नो, ठीक है, ये एंटी साइक्लोन क्या होता है, जो जो नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज. तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट्स दैट इट इज लाइकली टू रिसीव फ्रॉम लैंड बैक ऑफ इनटू सेंट्रल एबियन सी. बस इतना याद रखो, हीट डोम क्या है, एक वेरी हाई प्रेशर सर्कुलेशन है. हाई प्रेशर क्या होगी, एंटी साइक्लोन है ये, एंटी साइक्लोन, हीट डोम इज एन एंटी साइक्लोन, बस इतना याद रखें. एंटी साइक्लोन क्या होता है, इसका बेस जो कोर होता है वो हाई प्रेशर होता है, जो साइक्लोन होता है उसका जो कोर होता है वो लो प्रेशर होता है, ठीक है, बस इतना याद रखिए आप. इट अकर्स व्हेन हॉट एयर गेट्स ट्रैप्ड ओवर लार्ज एरिया. आई विल नॉट गो इनटू टू डीप बिकॉज अभी आपको ज्योग्राफी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ आएगा आपको. इधर इतना काफी है कि एंटी हीट डोम इज अ एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक, सेंट्रल इंडिया अरेबियन ओशन बेसिन में ये मिले. देन यू हैव मैमेटस क्लाउड्स. व्हाट आर मैमेटस क्लाउड्स? तो नासा ने रिलीज किया पिक्चर ऑफ मैमेटस क्लाउड्स हॉवरिंग ओवर नेब्रास्का. नेब्रास्का एक रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स में. सो दे अपीयर इन कनेक्शन विद सब्सटेंशियल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. इज अ टाइप ऑफ क्लाउड्स, थिक क्लाउड्स, थिक क्लाउड्स, ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बहुत थिक होते हैं. टर्बुलेंस विद इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ऑफन लीड्स टू मैमेटस क्लाउड्स. तो क्यूमुलोनिम्बस के अंदर कोई टर्बुलेंस होगी तो उससे मैमेटस क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है. दे रेंज देयर शेप्स वेरी ग्रेटली फ्रॉम बल्जिंग शेप टू मोर इलांगेटेड ट्यूब शेप भी हो सकते हैं, ठीक है, बल्जिंग शेप इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके. FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड एडिशन ऑफ FLN रिपोर्ट बाय EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. तो ये प्रिपेयर कौन करता है रिपोर्ट? इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिवनेस, इंडियन विंग है इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड कंपेटिवनेस ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की इंडियन आर्म है ये, ठीक है. तो फाउंडेशन लिटरेसी क्या है, मीन्स जो आपकी फाउंडेशन लिटरेसी होनी चाहिए, आपको फंक्शनल नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक न्यूमरेसी आनी चाहिए 10 साल से कम वाले जो बच्चे हैं. पंजाब ने इसमें टॉप किया है, ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत स्कीम चलाई थी, निपुण भारत. तो ये FLN, अगर पूछा जाए कि निपुण भारत स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बस ये याद रखें. उसमें टारगेट क्या है आपका? टारगेट ये है कि एवरी चाइल्ड इन द कंट्री शुड बिकम शुड अटेन FLN बाय 2026-27 तक. 2026-27 तक हर तीसरी ग्रेड का बच्चा, एवरी एस्पिरेंट, एवरी स्टूडेंट ऑफ थर्ड ग्रेड शुड हैव फंक्शनल लिटरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ओके. देन वी हैव नेक्स्ट PVTGs, ये हम पढ़ भी चुके हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको ब्रिटिश टाइम में क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था, फिर डी नोटिफाई किया गया, ठीक है. तो इस साल के बजट में प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया, ठीक, PM PDM, ठीक है. प्रधानमंत्री पी का मतलब इधर PVTG है, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन, ठीक. तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो हमारा लास्ट, हमारे जो पॉपुलेशन के जो मोस्ट नेग्लेक्टेड लोग हैं उनको भी हम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ठीक है, वन ऑफ द सेप्टरशिप प्रायोरिटीज जो गवर्नमेंट की है, ठीक है. PVTGs क्या होते हैं? दे आर नोन एज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ऑल्सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी है ये. कब बने हैं ये? हमने पहले पढ़ा था UN लेबर कमीशन और दिलीप सिंह भूरिया कमीशन और ज़ाज़ा कमेटी भी है ट्राइबल्स के लिए, ठीक है. ये कमेटीज के नाम याद रहना चाहिए, ज़ाज़ा कमेटी, लेबर कमीशन एंड UN लेबर कमीशन एंड दिलीप सिंह भूरिया. दिलीप सिंह भूरिया, ठीक है. तो इनिशियली 52 PVTGs थे हमारे, 52 PVTGs थे,
ठीक है, अभी वो बढ़ा दिए गए, अब 75 है 13 स्टेट्स में, ठीक है, 17 स्टेट्स में, सॉरी 17 स्टेट्स और एक यूटी। तो सबसे ज़्यादा है आपके उड़ीसा में 13 और आंध्र प्रदेश में 12, बस ये याद रखें आप थोड़ा सा पीवीटीजी से रिलेटेड, राइट। मैनुअल स्केवेंजिंग, केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। बैंडिकूट रॉबर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, बैंडिकूट, बैंडिकूट इट इज अ रोबो दैट इज यूज फॉर डूइंग द स्केवेंजिंग वर्क, यू नो, टू गिव सम डिग्निटी ऑफ द पीपल हु यूज टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज। फिर नमस्ते स्कीम अगर पूछा जाए वो किससे रिलेटेड है, ये भी सैनिटेशन से रिलेटेड है, मैनुअल स्केवेंजिंग से रिलेटेड है। नेशनल एक्शन फॉर, इट्स इंपॉर्टेंट वन, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम, ठीक। अब ये इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये, इट इज रिलीज एवरी ईयर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन यू हैव न्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। पहला क्या है, नो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, ठीक है, नो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, अपर एज लिमिट की बात की, नो रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, और अंडर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ये अमेंड कर दिया गया, और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर इन एवरी हॉस्पिटल। और आपको दूसरा ये भी पता है कि हेल्थ जो है आपका, हेल्थ आपका स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में आता है। लेट्स सी, सिटीजन कैन नाउ रजिस्टर फॉर ऑर्गन डोनेशन इन एनी स्टेट, इंडिया के किसी भी स्टेट में कर सकता है, जरूरी नहीं है अपने जिस डोमिसाइल है वहीं पे करेगा, ठीक है। दूसरा, अलोज इवन दोज अबव 65 ईयर्स ऑफ एज टू रजिस्टर टू रिसीव एन ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डिजीज डोनर्स, तो 65 साल से ऊपर वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है और हर अस्पताल में आपका ट्रांसप्लांटेशन कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए जादुई पिटारा, क्या है ये, लर्निंग टीचिंग मटेरियल के लिए क्या है, अ प्ले बेस्ड LTM टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 3 हैज बीन डेवलप्ड बाय NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ठीक। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए ये बनाया गया, क्लास 1 और 2 के लिए, 13 लैंग्वेजेस में होगा, बस जादुई पिटारा समझ लीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास बच्चों के लिए, कुछ उनकी क्यूरियोसिटी इमेजिनेशन को रिबूट करने के लिए, उनको एक नए एक इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए दिस हैज बीन डन। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बाय प्रोफेसर कस्तूरी रंगन विल डेवलप दिस NCF फॉर ईच ऑफ द स्टेजेस, ठीक है, ये कमेटी इसमें अपना वो देगी, एंड अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन NCERT ऑल्सो विल कोलाबरेट इन दिस। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ठीक है, जो इंडिया एक्रेडिटेशन सिस्टम है, ठीक है, रैंक 5th इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा एक्रेडिटेशन सिस्टम है उसको 5th रैंक किया गया है इसमें, ग्लोबल एक्रेडिटेशन सिस्टम में, ठीक है। इट्स अ इनिशिएटिव टू रिसर्च एंड डिसेमिनेट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बस इतना याद रखिए, इसमें ज़्यादा नहीं इसमें घुसना है, ठीक। युवा संगम पोर्टल, वॉट इज युवा संगम पोर्टल, ठीक है, तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कनेक्ट स्पेशली बिटवीन यूथ बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट एंड अदर स्टेट्स, ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाना है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अदर रीजन्स, क्योंकि थिंग इज देर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्जेंस, कल्चरल डाइवर्जेंस है और अवेयरनेस नहीं है अबाउट द कल्चर ऑफ पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, टू ब्रिज दैट गैप दिस स्टेप इज बीन टेकन। तो ये किसके अंडर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो आपकी योजना है गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत ही ये एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज मिशन अंत्योदय सर्वे, ठीक है, क्या है ये, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के अंडर आएगा ये, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट 2017-18 से कर रहा है, बस ये याद रखना कि अंत्योदय जो सर्वे, MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लस आपका PRI पंचायती राज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज।
अभी जो रिसेंटली देखिए लीडियम, लीडियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लीडियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो मिनरल और मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल वट एवर फॉर दी सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली फॉर दी बैटरीज। जो हमारा ईवी सेक्टर, ईवी सेक्टर जो हम अभी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो लीडियम लीडियम आयन बैटरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार जम्मू कश्मीर में लीडियम रिजर्व फाउंड किए हैं, जितने 5.9 मिलियन टन। या एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, कहाँ पे, सलाल हैमाना एरिया, रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट भी याद रखें उतना भी आपके लिए काफी है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला है ये कितना, 5.9 मिलियन टन, 5.9 मिलियन टन। तो दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव एरिया। अभी टीम आएगी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, वो उसको वेरीफाई करेगी एंड देन इट विल डू। इससे पहले आपका लीडियम रिजर्व कहाँ मिले हैं, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बस दिस इज सफिशियंट फॉर यू। दूसरा एक और चीज़ कि लीडियम सबसे ज़्यादा आपका कहाँ मिलता है, लीडियम ट्राइंगल करके तीन कंट्रीज है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, 75% वर्ल्ड सप्लाई, ABC से याद रखते हैं आप। तो चिली, बोलीविया एंड अर्जेंटीना, यहाँ पे आपका दुनिया का 75% लीडियम मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। इंडिया करेंटली कहाँ से इम्पोर्ट करता है, हांगकॉन्ग, चाइना, US, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। ठीक, लीडियम की एक दो प्रॉपर्टीज अगर देखें हम, लो डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल्स, रिएक्ट विगरेसली विद वाटर एंड डजन अकर एज अ मेटल इन नेचर। ठीक है, ये इन कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा आप। आई थिंक टुडे विल क्लोज हियर, टुमारो विल स्टार्ट विद साइंस एंड टेक, गगनयान से कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है आप पूछ लीजिए और वी विल क्लोज द क्लास। एनी डाउट गाइस? हाँ जी प्रियांशु, कोई डाउट? सर बोलो। दैट वी यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इथेलॉन ब्लेंडिंग सर, बट इंस्टेड ऑफ सर शुगर सर दैट ओनली एक्सट्रैक्ट जस्ट 9 to 10% ऑफ द यू नो 9-10% ही सर उसमें कन्वर्ट हो पाता है. बाकी सर जो भी अदर फील्ड्स होती हैं सर, जैसे जैसे TFS होता है ना सर, जो 14% तक प्रोड्यूस कर सकता है सर इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि इंडिया में सर 2017 के बाद, 2018 के बाद ही मतलब ये मिल्स से स्टार्टेड हो गई थी सर, और कंसंट्रेटेड इनका शुगर मिल और सिरप, शुगर केन जूस या सिरप में ही होता था. लेकिन अभी क्या है कि हम गवर्नमेंट ये कोशिश करे, जो लेफ्ट ओवर बैगीज होता है ना शुगर केन जो प्रोडक्शन के बाद, तो जी सर. बैगीज को भी इम्प्लॉय करते हैं वो फीड स्टॉक में हाँ ना, हाँ हाँ दैट हाँ कैन हाँ बी जो बैगीज होता है जो शुगर केन का जी लेफ्ट सर. ओवर। हाँ और भी सर. इसके अलावा भी बाकी, जैसे जो FCI में जो रॉटन पोटेटोज या ना रॉटन फ्रूट्स, जो रॉटन जो जो जैसे फूड जो ग्रेन्स बच, डैमेज फूड ग्रेन्स हाँ जो रहते डैमेज हैं. हाँ डैमेज हाँ हाँ डैमेज हाँ हाँ फॉर एग्जांपल, वो यूज किया जाता है अच्छा अच्छा ताकि ताकि मतलब एक तो उनका भी यूटिलाइजेशन हो जाए और इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल एक हम एक वायबल अल्टरनेटिव दे सकें, है ना। यस सर, वो स्टार्च से सक्रोज बनाते या हैं जिसमें ये. स्टार्च से बनता है वो। जी यस जी यस। सर. एनी अदर डाउट्स, एनीवन एल्स, और किसी को कुछ पूछना है? रुचिका, आयुषी, अनाबिया, पीहू, आप लोगों को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। अच्छा गाइस, देयर इज दिस एक और एग्जाम भी आ रहा है CSIR का ना, आपने अगर नोटिफिकेशन देखी होगी। हाँ, यस सर आपने बताया था. जी सर. उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जी बट सर. उसमें उसमें क्या है, उसके स्टेज वन में GS का ज्यादा फोकस है,
थोड़ा डिटेल में उसमें जीएस में जाना पड़ेगा, और उसका स्टेज टू आपका एसए पेपर है सर उसमें उसमें, एथिक्स का भी मेंशन था ना। एथिक्स जी एथिक्स का भी है उसमें। तो जी जी अगर मतलब वो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उसके बारे में हम थोड़ा सोच सकते हैं कि उसको इंटीग्रेट कैसे करें उसमें ना। करंट अफेयर्स तो कॉमन रहेगा, जी बट सर। जीएस का उसको रीओरियंट, जीएस का रीओरियंट करना पड़ेगा थोड़ा सा उसके लिए, बिकॉज वो थोड़ा सा एक, वो भी अच्छी पोस्ट है। जी दस साल सर के बाद, दस सर साल के बाद ट्वेंटी वो, थर्टीन का। जी सर जी हाँ सर 10 साल के बाद नोटिफिकेशन आई है, तो आई यस थिंक वन शुड नॉट लेट इट गो। तो सर यस यू गाइस जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ, हाँ आप हाँ लोग भी सर बताइए आपका क्या ऑब्जेक्ट, आपका क्या उसमें है, बिकॉज हम उसका, मुझे लगता है उसका स्टेज वन और टू इकट्ठा ही लॉन्च करना पड़ेगा, उसमें ऐसे राइटिंग वगैरह भी साथ में ही करना पड़ेगा। जी सर जी सर हाँ तो उस हिसाब से यू गाइज थिंक अपने लेवल पे वेदर यू वॉन्ट मी टू डू दैट, यस बिकॉज आई सर एम थिंकिंग बिल्कुल ऑफ इट, बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी उसके लिए ना। बिल्कुल सर तो मैं, हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि वो आप लोग सोचिए, जो लोग हैं अभी ज्वाइन हुए, मोनिका या आयुषी, आप लोग सोच के बताइए आप, है ना। तो फिर यस देखते हैं हम सर क्या करना है उसके लिए, बिकॉज की 33 शायद एज लिमिट है, तो हाँ सर जनरल कैटेगरी वालों के और लिए। नेक्स्ट टाइम शायद वो 10 साल के बाद ही आएगा, सो ओ वी नेवर नो। माय गॉड जी तो बोथ सर दीज एग्जाम्स बिल्कुल आर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, डोंट जी सर वरी, पर वाइज साथ साथ में करते रहो। ओके यस चलो, सी यू गाइज ऑन मंडे सेम टाइम 2 o'clock। ओके ओके सर थैंक यू सो मच सर ओके, गुड डे गाइज, जय गुड डे हिंद गाइज, जय हिंद, जय हिंद। ओके सी यू।